यश के साथ आरती के सादगी भरे और मासूम किरदार से देश भर के लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने इस भूमिका को जिस तरह से पुनर्विवाह सीरियल में पेश किया था, उसे लोग आज भी यश की मासूम आरती के तौर पर ही याद रखते हैं, जिन्हें आज किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेत्री कृतिका सेंगर के बारे में तो सब जानते होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आरती यानी कि कृतिका सेंगर रियल लाइफ में किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? इनकी फैमिली मेंबर में कौन कौन लोग शामिल हैं और वो क्या करते हैं? आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, इनकी रियल लाइफ फैमिली से रूबरू करवाकर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अभिनेत्री कृतिका सेंगर की रियल लाइफ फैमिली के बारे में, तो बस बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले इस मासूम आरती के लिए एक लाइक तो बनता है। सीरियल पुनर्विवाह में आरती का किरदार निभाकर हर घर में प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री कृतिका सेंगर राजपूतों की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनकी फैमिली में इन्हें मिलाकर टोटल 5 सदस्य हैं, जिनमें ये इनकी मम्मी, पापा, इनका भाई और हस्बैंड एंड चाइल्ड शामिल हैं। शुरुआत करें इनके पिता से, तो इनके पिता का नाम वेदांत सेंगर है, जो प्रोफेशन से कानपुर के साथ साथ मुंबई में भी अपना बिजनेस संभालते हैं। वहीं कृतिका की मम्मी का नाम कल्पना सेंगर है, जो कि एक हाउसवाइफ के तौर पर अपना घर तो संभालती ही है, साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में अपने हस्बैंड का पूरा हाथ बंटवाती है। बात की जाए कृतिका सेंगर के भाई की, तो इनका एक लौता भाई है जिनका नाम अनुराग सेंगर वेदांत है, जो उम्र में अपनी बहन से छोटे हैं। फिलहाल ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, जिन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। अब बात करें कृतिका सेंगर के हस्बैंड की, तो इनके पति का नाम निकितन धीर है, जिनके साथ इन्होंने साल 2014 में अपना घर बसाया था, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। लेकिन बात की जाए कृतिका सेंगर और निकितन धीर के बच्चों की, तो आपको बता दें कि अभी तक ये माता पिता नहीं बने हैं, पर फिलहाल ये बच्चे की प्लानिंग में हैं और उम्मीद है कि ये जल्द ही आप सभी को खुशखबरी भी देंगे। लेकिन अब जब कृतिका अपना घर बसा चुकी हैं, तो जायज है कि इनकी फैमिली में इनकी ससुराल वाली फैमिली भी शामिल होती है, जिनमें इनके लाइफ पार्टनर निकितन धीर के अलावा इनके पापा पंकज धीर और मम्मी अनिता देव शामिल हैं। बता दें कि पंकज धीर प्रोफेशन से एक फिल्म और टीवी एक्टर हैं, वहीं अनिता धीर प्रोफेशन से कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम संभालती हैं। इसके अलावा कृतिका सेंगर की एक ननद भी है, जिनका नाम नितिका शाह है, और इसी के साथ कृतिका सेंगर अपनी दोनों ही फैमिली के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, जिसकी झलक हमें अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है। वेल, ये तो रही कृतिका सेंगर की छोटी सी फैमिली की बात। लेकिन अगर बात की जाए इनके लव अफेयर की, तो एक समय पर इनका नाम अभिनेत्री सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन के साथ जोड़ा गया था, जो कि एक फिल्मी इवेंट के दौरान एक दूसरे से पहली बार मिले थे। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे, पर एंड मौके पर ही राजीव सेन ने अपने एक्स्ट्रा लव अफेयर के चलते कृतिका सेंगर का साथ आधे अधूरे मोड़ पर ही छोड़ दिया, जिसके बाद ब्रेकअप के कुछ समय बाद ही कृतिका सेंगर को अपने हमसफर के तौर पर निकितन धीर मिले, जिनके साथ आज ये बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री कृतिका सेंगर की इस छोटी सी फैमिली के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।